जैसे देखिए, हम आपको बताया कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करिए पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हमारे अंदर की जो इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, ये जानने की होती है आखिर वास्तव में क्या है। जैसे हम आप सपोज करिए कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई कंप्यूटर अच्छे से बता दे तो आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब आपको बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताया जाए कि वास्तव में कंप्यूटर क्या है, हाँ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, हाँ अगर कंप्यूटर की खोज मिस्टर सर चार्ल्स बैबेज ने किया था तो मिस्टर सर चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने में इनका बड़ा योगदान रहा। आखिर मिस्टर सर चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर में ऐसी कौन सी क्रांति लाए, क्या जो ऑफिस में कंप्यूटर यूज किया जाता है, जो वैज्ञानिक लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, जो रेलवे कंप्यूटर यूज करता है, जो बैंक लोग यूज करते हैं, जो मेडिकल वाले यूज करते हैं कंप्यूटर, क्या सारा कंप्यूटर एक ही है, सारा कंप्यूटर अलग अलग है, हाँ कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होता है, उसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये आपकी बहुत सारी बातें पनपती है, क्यों भाई नहीं पनपता है। तो इस तरीके से आप पहले शुरुआती दौर में बेस में आप ये जानेंगे कि हिंदी शब्द कैसे बना, कहाँ से आया हिंदी शब्द। आप हिंदी पढ़ते हैं, रोज़ हिंदी पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द बना कहाँ से, हिंदी शब्द आया कैसे, तो इन मैं छोटी छोटी चीज़ों को पे आप जिक्र करूँगा। तो पहले शुरुआत हम करते हैं पहले हिंदी से, हिंदी के शब्द से स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये हिंदी की जैसे मैं लिखा हूँ ये मानक है, इस बात को छोटी छोटी बातों को चलिएगा। जैसे जो हम ये हिंदी लिखते हैं ये हिंदी हमारी गलत है, बात को समझिएगा। और मानक, मानक का मतलब क्या होता है, मानक है और ये क्या है आपका अमानक, अमानक मानक का मतलब होता है इसे मान्यता दिया गया है। कौन करता है, भारत सरकार निदेशालय बोर्ड, कि कौन वर्ण मानक है और कौन सा वर्ण अमानक है। जैसे देखिए हम आपको चिन्ह लिखते थे, देखिए ऐसे लिखते थे, देख रहे हैं नहीं, इस तरीके से लिखते थे, अब ये अमानक घोषित कर दिया गया है। अमानक का मतलब ये स्वीकार वर्तनी, वर्तनी को अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है, ये स्पेलिंग सही है और ये स्पेलिंग क्या है, ये वर्तनी सही है, ये वर्तनी क्या है गलत। तो आप समझिए कि ये सही है, आप जब भी लिखने का प्रयास करेंगे तो इस चीज़ को लिखा करिएगा। अब जो नई किताबें छप रही हैं इस पर ध्यान दिया जा रहा है और पुरानी किताबें में ऐसे लिखा है, समझ रहे हैं नहीं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये शुद्ध है आपका और ये आपका किस तरीके का है अशुद्ध। मानक का मतलब शुद्ध और अमानक का मतलब अशुद्ध। अब इस तरीके से हम चिन्ह लिखते थे तो ये हमारा क्या है गलत है, ये मेरा क्या है गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है। अब ये हमें इस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए ये देख रहे हैं नहीं, अब ये क्या है शुद्ध है। देखिए इसमें ह भी था और न भी था, ह भी था और न भी था, तो इसमें कौन सा आधा होता है कौन सा पूरा होता है इस बात को आप समझिएगा। देखिए ह आपका पूरा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं नहीं, तो जो पूरा दिखाई देता है वह होता क्या है आधा, और वो कहाँ लिखा जाता है पहले। जैसे देखिए हम आपको लिखे, जैसे लिख दें हम ब्रह्म, देखिए या ना, तो ब्रह्म लिखते हैं, तो ब्रह्म लिखते हैं तो ये मेरा क्या है गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या है गलत है। अब इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप का आपका गलत होगा। अब खास करके IAS और PCS जैसे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं उसमें लिखित है इस तरीके से, कहीं से आ गया आपको ब्राह्मण आ गया, चौहान आ गया, चिन्ह आ गया, इस तरीके से लिखते हैं तो निश्चित रूप से वो आपका क्या होगा गलत होगा। तो अब इसमें देखो पहले आपका कौन सा आधा दिखाई दे रहा है कौन सा पूरा दिखाई दे रहा है, हाँ आपको क्या दिखाई दे रहा पूरा, देखो हाँ आपको पूरा लिखे हैं इसके में आदमा बनाए हैं, तो इसमें जो आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह क्या होता है आधा। तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये आप, अब ये आपका क्या है ये आपका शुद्ध है और ये आपका क्या है अशुद्ध, ये अमानक है और ये आपका क्या है मानक। बात स्पष्ट हुआ, कन्फर्म हुआ। देखिए जैसे हम विद्यालय लिखते चले आ रहे हैं इस चीज को, विद्यालय हम ऐसे लिखते चले आ रहे हैं, अब ये अशुद्ध हो गया अर्थात अमानक, ये अमानक घोषित कर दिया गया। इसकी इस तरीके से अगर स्पेलिंग आप लिखते हैं तो ये स्पेलिंग आपकी क्या होगी गलत होगी। अब हम इसको तब कैसे लिखेंगे, क्योंकि विद्या वाला जो द होता है ये आधा ध और धन यश मिलकर के बना है, आधा द धन यश मिलकर के विद्या वाला बना है द, तो आपका क्या होगा विद्या, अब ये अब मात्रा कौन सा लगा है आ का लय, तभी हमारा इस तरीके से होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब ये मेरा क्या है गलत है,
ये क्या है गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका शुद्ध है, ये आपका शुद्ध है, ये शुद्ध है और ये आपका शुद्ध है। तो हिंदी की जो शुरुआत अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी लिखा कैसे जाएगा, तो हिंदी आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, यही हमारा क्या है मानक है। क्या चीज देखिए, जब स्पेलिंग में देगा ऐसे तो अभी मान लीजिए इस तरीके छपाई हो ही रही है, ऐसे अचानक तो परिवर्तन हो नहीं जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको लिखने के लिए कहीं देता है जैसे वर्तनी में दे दिया दोनों विद्यालय लिख दिया, दोनों विद्यालय पूछा कौन सा शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध होगा जो मानक रूप है, जो मानक रूप है वो आपका क्या होगा शुद्ध होगा, और जो अमानक होगा वह क्या होगा आपका अशुद्ध। शुद्धता और शुद्धता कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है इसकी जो है कौन कौन करता है, तो भारत सरकार निदेशालय बोर्ड इसकी जो है जांच करता है कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, हर वर्ष इसको जारी करता है। बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल सही होगा, कन्फर्म हुआ। अब ध्यान रखिए ये हिंदी शब्द है, तो आप पहले इस बारे में आप समझिए अच्छे से हिंदी के बारे में कि हिंदी आया कहाँ से, इसको लेकर के बहुत विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है, लेकिन जो एक तथ्य बाहर निकल करके सामने आता है उसी तथ्य पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा विद्वानों का मानना है कि हिंदी शब्द हमारा कैसे बना, कैसे शब्द हमारा आया ना। तो आप इस बात को समझने से पहले आप एक छोटा सा ग्राफ आप देखेंगे कि जो ऊपर की दिशा होती है वह कौन सी दिशा होती है उत्तर, आप एक मैप नक्शा जब भी आप किसी देखा जाता है तो इसी पे देखा जाता है, और नीचे की जो दिशा होती है वह कौन सा होता है उत्तर, और जो राइट साइड की दिशा होती है वह कौन सा होता है पूरब, और इस तरफ की जो दिशा होती है कौन सी दिशा होती है पश्चिम। अब आपको कोई नक्शा मैप आपका रखा हुआ है तो आप एक किनारे एक मैप बना लीजिए, आप जिस तरह की जैसी दिशा आप समझ जाएंगे, कन्फर्म हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बात समझिए, जो ईरानी थे, ईरानी लोग, ईरानियों का भारत के साथ प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध था, वो लोग हमारे यहाँ आते थे व्यापार करते थे, इन सब का प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध था, प्राचीन काल से व्यापार हो रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिम और उत्तर के बीच एक नदी प्रवाह मानती जो प्राचीन काल से आज तक विद्यमान है, जिस नदी का नाम क्या था सिंधु नदी, क्या नाम था सिंधु नदी नाम था, ये सिंधु नदी था। तो जब ईरानी सबसे पहले भारत में देखिए आने का उनके लिए एक साधन था, वो भी सही साधन कौन सा उत्तर और पश्चिम का किनारा, ये बीच का जो साधन है लिखिए मत बोर्ड पर, पहले सीधा देखिए उत्तर और पश्चिम बीच का एक किनारा था जहां से ईरानी और फारसी भारत में व्यापार करने के लिए आ सकते थे। देखिए पूरब से क्यों नहीं आ सकते थे, क्योंकि पूरब में बंगाल की खाड़ी मौजूद थी और इनको यहाँ से करते दिनों बहुत लंबा सफ़र करता, पता नहीं अगर कोई किसी प्रकार कोई तूफान वगैरह आ गया तो जा भी सकते थे, जान जोखिम में जा सकते थे। दक्षिण तरफ सागर था जो बहुत विशाल सागर था, और सीधा अगर उत्तर से आते तब भी नहीं आ पाते, क्योंकि यहाँ पे हिमालय जो था कई बहुत लंबा बहुत विस्तृत विस्तार था। तो इनके लिए आने के लिए एक सुपीरियर साधन कौन सा था सिंधु। तो जो ईरानी सबसे पहले आए तो सबसे पहले हमारा सब नदी कौन सी थी सिंधु। अब इस बात को आप समझिए, यहीं से शुरुआत होता है हिंदी की, शुरुआत अगर होती है तो सिंधु नदी से ही होती है। अब जब ईरानी आए भारत में व्यापार करने इस नदी से, तो नदी कौन सी इनको मिली थी सिंधु। अब ध्यान रखिए कि जो ईरानी थे, ईरानियों में क्या था कि उनमें उच्चारण दोष था, क्या था उच्चारण दोष। उच्चारण दोष का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ हम लोग कुछ कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ देते हैं ना, जैसे देखिए उच्चारण दोष है, हम लोग गाँव में बहुत कहते हैं जग लेटर चला था ना, जग लेटर कहते हैं, लेकिन जग लेटर है नहीं, वो शब्द है जनरेटर, ये मेरा क्या उच्चारण दोष है। कहते हैं गोलमेल सम्मेलन, गोलमेल सम्मेलन नहीं है, गोल मेज सम्मेलन है, एक गोल किनारे की मेज थी उसमें सब लोग बैठ कर सम्मेलन किए थे, उसी का नाम पड़ा था गोल मेज सम्मेलन, लेकिन हम लोगों का उच्चारण दोष है, हम लोग कहते हैं गोलमेल सम्मेलन ना। कहते हैं लाल टेम, लाल टेम नहीं है, वो लाल टेन है, ये हम सबका है क्या उच्चारण दोष है, कन्फर्म हुआ। तो इनमें भी उच्चारण दोष था, उच्चारण दोष था, ये स का उच्चारण करते थे ह में, और ध का उच्चारण किस में करते थे द में, बात को समझिएगा, बात नहीं करिएगा कोई, स का उच्चारण ह में और ध का उच्चारण किस में करते थे द में। अब ये नदी सिंधु थी, तो जब ये इस नदी पे पहुंचे तो सिंधु नदी की देखे तो वहाँ के लोगों से पूछा कि नदी कौन सी, तो लोगों ने बताया कि नदी कौन सी है सिंधु है, तो ये अपने भाषा में सिंधु नदी को क्या कह दिए, अब देखो स का उच्चारण ह में किए तो क्या हो गया आपका हिंदू,
देख रहे हैं, नहीं अब सिंधु था, सिंधु से हमारा क्या बना, हिंदू बना। अब ये काफी दिन तक ये हिंदू 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 कहते रहे, नहीं सुनवाया। अब इसको हिंदू हिंदू बहुत दिन तक पुकारते रहे कि ये हिंदू है, कौन सी नदी को हिंदू है हिंदू। तब बहुत दिन तो कई कुछ कर वर्षों तक, एक आध साल वर्षों तक यहाँ के लोग ऐसे पुकारते रहे। तो यहाँ के लोगों ने बताया, जो यहाँ के निवासी थे वो लोग बताया कि भैया ये हिंदू नहीं, यह सिंधु है। तब ये लोग कहते हैं अच्छा हिंद। अब इसको ना इन्होंने क्या नाम दे दिया, हिंद दे दिए। अब ये हिंद कहने लगे, यानी यहाँ के लोगों ने जब इनको बताया कि भैया ये हिंदू नहीं ये सिंधु है, तब इन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा हिंद। अब इसी हिंदू को इन्होंने क्या कह दिया हिंद। अब ये हिंद हिंद कहना चालू कर दिए, नहीं होता छोटे बालक एक बता दिया या बड़े लोगों को बता दिया, इस तरीके से कहने लगते हैं। कुछ नाम ही ऐसे होते हैं जो उड़ने ही नहीं पाते। तो अब ये हिंदू को हिंद हिंद कहने लगे, और ये काफ़ी दिन तक हिंद हिंद कहते रहे, हिंद पुकारते रहे। तब जा करके जो है फारसी भाषा का ई प्रत्यय, कौन सा, बाद में इसमें इसी हिंद में आपका जुड़ता है ई प्रत्यय। क्या जुड़ता है, ई प्रत्यय। ई प्रत्यय आपको बताएंगे, प्रत्यय जो है कहाँ जुड़ता है, पीछे। तो ये ई प्रत्यय जुड़ करके आपका शब्द जो बनता है वो आपका कौन सा शब्द बन जाता है, आपका हिंदी। ये रहा हिंदी का कन्फर्म हुआ, ये फारसी का प्रत्यय जुड़ा है, फारसी का प्रत्यय जुड़ा है ई, इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा। ये आपके सुपर टेट में प्रश्न पूछा जा चुका कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, आपका फारसी भाषा का शब्द। ये आपके सुपर टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हम जहाँ जहाँ जो जो प्रश्न पूछा रहेगा मैं सबको बताता भी चलूंगा। अब आप समझ पाए, देखिए पहले बोर्ड पर देखो, तब लिखवा रहा हूँ भाई इस बात को, पहले बोर्ड पर देखो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये आपका हिंदी बना, और कौन नामकरण किया, ई प्रत्यय जुड़ा, प्रत्यय किसका जुड़ा, फारसी का। इसी कारण कहा गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। यही नहीं होता है, जैसे बच्चा, देखिए शब्द मेरा है, हिंदी मेरी है, और नाम कौन कर रहा है, विदेशी भाई, विदेशी थे ये। अब यही होता है, जैसे बच्चा हमारे घर में जन्म ले और उसका नामकरण कोई पड़ोसी आके कर दे, हिंदी मेरी है लेकिन उसका नामकरण कौन कर दिया, विदेशी कर दिए, कन्फर्म हुआ। तो यहाँ से आपको अगर कभी भी पूछा जा चुके कि हिंदी शब्द के विकास का क्रम क्या है, तो हिंदी शब्द के विकास सबसे पहले कौन सा था, सिंधु, सिंधु के बाद कौन सा हुआ, हिंदू, हिंदू के बाद हिंद, इसके बाद ई प्रत्यय लगा करके कौन सा बना आपका हिंदी। हेडिंग डालिएगा हिंदी शब्द के विकास का क्रम। हिंदी शब्द के विकास का क्रम, आपसे कभी भी कोई पूछे कि हिंदी शब्द के विकास का क्रम किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, तो आप बताइए सबसे पहले सिंधु थी, यहीं से शुरुआत होती है। अगर शायद सिंधु नदी न रही होती तो हिंदी शब्द का उदय न हुआ होता, तो यहीं से शुरुआत होती। सबसे पहले नदी कौन सी थी, सिंधु, सिंधु के बाद फिर क्या बना आपका, हिंदू, हिंदू के बाद आपका बना हिंद, और इसी में ई प्रत्यय जुड़ करके किसका विकास हुआ, हिंदी का विकास। ये आप लिखिएगा हिंदी शब्द के विकास का क्रम, और इसको लिख लीजिए। इस पे बहुत सारे बहुत बड़ा विवाद है, लेकिन ये जब सबसे ज़्यादा आगे आगे है, इस पे ज़्यादा मान्यता मिलता है कि इस प्रकार से विकास हुआ है। अगर कभी भी आपको कोई ग्राफ दे, प्रश्न पूछेंगे नहीं आगे पीछे कर दे, तो आप इसको रटा रटा जुबान होना चाहिए। सबसे पहले नदी सिंधु, सिंधु के बाद हिंदू, हिंदू के बाद हिंद, इसमें ई प्रत्यय जोड़ करके शब्द आपका क्या बना, हिंदी। कन्फर्म हुआ, किसी कोई डाउट हो वो कन्फर्मेशन अपना करते चलेंगे, हो गया सबका। नीचे से स्टार लगा लगा के कुछ चीज़ें लिखते चलिए, एक साथ सब कंप्लीट करते चलिए, स्टार लगा के नीचे लिखिएगा हिंदी कामा हिंदू हिंदुस्तान, ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं, तीनों फारसी भाषा के शब्द है, जिसमें से आपका ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है वीडियो में, आपके हिंदुस्तान पूछा जा चुका है, हिंदी आप किस 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 कैसा भाषा है, किस भाषा का शब्द है, फारसी, आपको जुबान होना चाहिए। देखिए सुपर टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अगर यहाँ तक आपको पहुँच सकता है तो आप समझ लीजिए अगला वाला पेपर किस तरीके का होगा, उसी तरीके से बनाएंगे और पढ़ेंगे, तब आपके 30 में 300 नंबर आएगा, नहीं तो फिर ताकते रहेंगे। ये हुआ आपका, आगे लिखेगा अंग्रेजी,
स्टार लगा कर उसे नीचे लिखते चलिए। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा, फ्रेंच। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। हाँ सर, हाँ हाँ लगाए नहीं हम, बाद में उसको देखें जो है। सी वाला है सर जी, एक या दो। हाँ सी, सी। हाँ सर जी, हाँ हाँ सर। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। कन्फर्म हुआ? आगे लिखिएगा। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा, हम आपको बताएंगे आगे जब अभी आगे इसके आगे वाला जो चैप्टर चालू करते हैं तो वहाँ बताएंगे कैसे कैसे सारे शब्द आए हैं। आप बस छोटी मोटा जानते रहिएगा जो पूछे गए। मैंने चाय, चीनी, लीची, चीकू, तीन चीज़ें हैं। चाय, चीनी, लीची, चीकू, चीकू, ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। एक बार सुना करिए तब लिखा करिए। चाय, चीनी, लीची, चीकू, चीनी भाषा के शब्द हैं। चाय, चीनी, लीची, चीकू, चीनी भाषा का शब्द है। कन्फर्म हुआ? तो चाय, चीनी, लीची, चीकू। देखिए चाय कई बार पूछा जा चुका है आपका, टीजीटी में पूछा है, जो केबीएस का नवोदय विद्यालय करवाता है उसमें आपको चाय शब्द का और चीनी दोनों का कई बार वो प्रयोग किया है, जिक्र किया है, तो चीनी भाषा का शब्द है। आगे लिखिएगा वकील। वकील अरबी भाषा का शब्द है। वकील जो हम कहते हैं वकील साहब, वकील अरबी भाषा का शब्द है। मानसून, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। एसएससी में पूछा था, थोड़ा फास्ट लिखिए। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा, मुहावरा हम पढ़ाएंगे आपको। मुहावरा लोकोक्ति दोनों मंत्र होता है, पूरे विस्तार से बताया जाएगा, पहले आप सुनते रहिए। एक और मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। कन्फर्म हुआ? तो हम आपको ये सारी बाबू क्या बताएं कौन सा भाषा किस भाषा का शब्द है, तो आप जानते रहिएगा। चाय, चीनी, लीची, चीनी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों किस भाषा का शब्द है? गलत मत लिखिएगा भाई, कोई लोग जिसको ना समझ में पूछ लिया करेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। तो आप लोग गलत लिखेंगे तो कितना लोगों को गलत पढ़ाएंगे, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये आपका रहा एक टॉपिक हुआ आपका कि हाँ हाँ किसको हाँ हाँ नहीं नहीं इस तरीके का ऐसा इसमें नहीं है, इसमें इस तरीके का ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा, ये एक टॉपिक रहा आपका। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, दूसरा टॉपिक आपका क्या है? जो दूसरा टॉपिक है ये आपका, ये तो आपका एक लेक्चर रहा, एक रहा हिंदी शब्द आया कैसे। तो आप सबसे अच्छे से तरीके से सरल भाव में जो भी आपसे पूछे, परीक्षा में पूछे, आप सबसे अच्छे से बताइएगा। ये सबसे पहले भारत में ईरानियों के साथ व्यापारी संबंध होने के कारण जब ईरानी भारत में प्रवेश किए तो उनको सिंधु नदी मिलती है। सिंधु नदी जो है आपका कहाँ से कहाँ से प्रवाहमान है आपकी, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में सिंधु नदी प्रवाहमान है। सिंधु नदी जब आपके यहाँ पे आते हैं फारसी ईरानी लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, सिंधु नदी को हम हिंदू कहते हैं। क्यों? क्योंकि स का उच्चारण हम, ध का उच्चारण दम करते हैं, उच्चारण दोष होने के कारण सिंधु को हिंदू कहते हैं। हिंदू से फिर हिंद बना, उसी में फारसी भाषा का ई प्रत्यय जुड़ करके हिंदी शब्द का विकास हुआ। इसी तरीके जो है सिंधु, हिंदू, हिंद जो है किस भाषा का शब्द है? तो अब अगर पूछा जाए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है आपका? फारसी भाषा। कन्फर्म हुआ? चलिए अगला देखिए, हिंदी भाषा के विकास का क्रम। अब तो आपका शब्द बन गया, शब्द आपको मिल गया हिंदी। अब इसके भाषा का विकास का क्रम किस प्रकार से होगा, हम ये इसके भाषा के विकास का क्रम आपको बता रहे हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से, इस तरीके का ऐसा आपका विकास हुआ, आपको मिला क्या?
मिला क्या, तो एक शब्द मिला जिस शब्द का नाम हमारा क्या था, हिंदी। हिंदी शब्द मिला। अब इसके भाषा का विकास देखा जाए तो आप सबसे पहले अब इस भाषा के विकास के क्रम पे समझे तो आप सबसे पहले बात थोड़ा सा चर्चा कर लीजिएगा कि जो भाषा आपकी थी सबसे पहली अगर भाषा मानी जाती है भारत की तो वह कौन सी भाषा मानी जाती है, संस्कृत मानी जाती है। लोगों का मानना है कि इसी संस्कृत से ही आप पाणिनि का महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो वर्ण कहाँ से निकलते हैं, महेश्वर सूत्र से निकलते, वही सबसे पहले बताते हैं, वही सबसे पहले इस बात की चर्चा जिक्र करते हैं। तो यहाँ समझिएगा कि लोगों का मानना है कि जब पहले लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का भाषा का इसका ज्ञान नहीं था जब उनको, तो लोगों का सिर्फ ओरल चलता था, मौखिक चलता था, आपने एक दूसरे से उच्चारण करते, जैसे आप वैदिक काल में जब पढ़ेंगे, ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्या था कि लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, तो अब वो लोग कैसे करते थे, पुरोहित जो है मंत्रों का उच्चारण करवाता था, लोग उसको सुनते थे, फिर शुद्ध शुद्ध उसका उच्चारण करते थे, फिर उसी में से कोई पुरोहित बनता था, इस तरीके से परंपरा चली जाती थी। बाद में पता चला कि अब हमें एक लिपि की ज़रूरत है ना, तो बाद में जब धीरे धीरे, तो भाषा अगर सबसे पहली अगर भाषा की चर्चा की जाती है तो सबसे पहली भाषा आपकी कौन सी की जाती है, संस्कृत की जाती है। सबसे पहली बात की अगर कोई भाषा अगर मानी जाती है तो भाषा कौन सी मानी जाती है, देश की, ये देश की भाषा है आपकी संस्कृत। लेकिन इस बात पे सब थोड़ा सा जिक्र करिएगा कि जो संस्कृत थी, संस्कृत भाषा आपकी थी सबसे पहली भाषा, लोगों को मानना है कि इसी से कुल भाषाओं का विकास हुआ है, तो संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा थी, तो संस्कृत भाषा को आप ये समझिएगा कि जो संस्कृत भाषा उस समय, ये संस्कृत भाषा थी किसकी, आर्यों की भाषा, थोड़ा इतिहास समझिएगा, तो आर्यों की भाषा थी, जो वैदिक काल के जो आर्य थे वो आर्य मूल निवासी कहाँ थे, मध्य एशिया, भारत निवासी नहीं थे, तो उनकी भाषा थी ये संस्कृत। कभी आपको पूछिए भाषा वैदिक काल की भाषा कौन सी थी, तो भाषा वैदिक काल की भाषा कौन सी थी, संस्कृत। तो संस्कृत उस समय जनसाधारण की भाषा नहीं थी, जनसाधारण का मतलब क्या होता है, लोगों के विचार विनिमय की भाषा नहीं थी। तो इस भाषा को थोड़ा रूपांतरित करके, तोड़ करके, इसका थोड़ा मॉडिफाई करके, सरल करके महात्मा बुद्ध आते हैं। महात्मा बुद्ध इसी भाषा को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा तोड़ करके किस भाषा में अपना उपदेश देते हैं, पाली भाषा में। देखिए पहले संस्कृत था, संस्कृत टूटा। देखिए भाषा भी परिवर्तनशील है, भाषा क्या है, आपसे कभी पूछा जाए भाषा की प्रकृति कैसी है, तो भाषा परिवर्तनशील है, भाषा बदलती रहती, बहुत समय वर्षों के बाद, 100-150 वर्षों के बाद भाषा थोड़ा थोड़ा क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। नहीं देखे हैं आप, सुने भी होंगे किस तरीके से बोलते हैं हम लोग, अब शब्द था आपका मजदूरी, आप लोग मजूरी कहते हैं, मजूरी करने गए हैं, मजदूरी था लेकिन हम मजूरी कहते हैं भाषा, यही बाद में क्या हो जाएगा, यही मजूरी ही हमारा एक सब भाषा बन जाएगा, एक अलग भाषा बन जाएगा। तो आप इस बात को देखिएगा, पहले संस्कृत थी, फिर संस्कृत से क्या बना आपका, पाली। तो संस्कृत ही टूट करके आपके किस में बना, पाली। पाली जो भाषा है उस समय हमारे देश की जो है जनसाधारण की भाषा थी, इसको लोग समझ नहीं पाते थे क्योंकि ये आर्यों की भाषा थी, आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से, ये जर्मन के विद्वान मैक्स मुलर ने इस बात की घोषणा किया था और उनकी बातें भी सही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस भाषा जनसाधारण आज भी तो लोग संस्कृत नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे हैं पंडित जी कौन से मंत्र का कौन सा पाठ कहाँ पढ़ दें, आगे पीछे पढ़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब जान ही नहीं रहेंगे तो पकड़ क्या पाएंगे, आठवां अध्याय नौवां पढ़ दिए, नौ जगह आठवां पढ़ दिए, आठवीं जगह सातवां पढ़ दिए, अब नहीं पता है तो क्या करोगे ना। तो इस तरीके से, लेकिन इस भाषा के लोगों को जानने वालों की संख्या थी, इस भाषा को लोग जानते थे, इस भाषा को जानते थे। तो महात्मा बुद्ध जो है इस भाषा में अपना सारा उपदेश दिया, फिर ये भाषा भी टूटी, देखिए भाषा परिवर्तनशील है, ये भाषा टूटी, पाली टूट करके किस में बन गया आपका, प्राकृत में, फिर प्राकृत भी टूटा किस में, अपभ्रंश में, फिर अपभ्रंश भी टूटा किस में, अवहट, ये सब भाषा है, फिर अवहट भी टूटा किस में, हिंदी में, लेकिन ये जो हिंदी है आपकी ये पुरानी हिंदी है, आज फिर हिंदी टूट गया किस में, मानक हिंदी, कन्फर्म हुआ आपका। सबसे पहली अगर भारत कोई भाषा थी तो भाषा कौन सी थी, संस्कृत। संस्कृत किस में टूटा, पाल किस में टूटा, प्राकृत में टूटा, अभ्रंश में, अभ्रंश किस में टूटा, अवहट में, अवहट किस में टूटा, हिंदी में, हिंदी किस में टूटा आपका। आज इसी रूप में हिंदी भारत व्यवहार में है, चलन में है, कन्फर्म हुआ, इसी में विचार विनिमय ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, कन्फर्म हुआ। तो अगर आपको कभी भी
इस तरीके का आपको पूछा जाए हिंदी भाषा के ग्राफ क्या है, हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है, तो आपका ये क्रम होना चाहिए, ये मानक क्रम है। तो सबसे पहले भाषा संस्कृत, संस्कृत बाद पाल, पाल के बाद प्रकृत, प्रकृत बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश बाद अवट, अवट बाद हिंदी, फिर आज मानक हिंदी। इसी में आप प्रयोग ये जरा लिखिएगा, इसको हिंदी भाषा के विकास का क्रम जहाँ लिखें आप इसको ग्राफ बनाइए। और हम अभी परीक्षा में आपको बता रहे हैं कैसे पूछा जाएगा। थोड़ा फास्ट लिखिए और जब आप थक जाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि अब हम थक गए हैं, तब मैं रहने दूंगा, नहीं तुम पढ़ाने से क्या फायदा होगा। हम पूरा पढ़ा दें और आपको ना समझ में आए तो कोई मतलब नहीं है। मेरा केवल ये था कि हम आपको आधार से जोड़ दें, बस आप आधार से जुड़ जाएंगे तो आप आगे खूब समझें, नहीं तो आपके दिमाग में बना रहेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आता है, वो हम आपको भ्रम निकालना चाहते हैं। और अपभ्रंश भी भाषा है, अरे इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई हैं अपभ्रंश, जैसे स्वयंभू हैं जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, पौमचोरी नामक राम का भी इसे भी भाषा में लिखे हैं, कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में लिखी गई हैं, बहुत सारी हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी सारी चीज़ें, बातें आप साहित्य में होगी, आपके बोले यहाँ आप समझते चलिएगा, ये भाषा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हो गया सबका, सबका ग्राफ बन गया, आप ध्यान देखिए अब परीक्षा में कैसे पूछता है। इस प्रश्न को देखिए, कुछ हिंदी के कुछ प्रश्न आपका ग्रामर का ऐसा है जो आपको टीजीटी पीजीटी में वही प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न आप में भी पूछता है, ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि सरल से सरल प्रश्न इस बार पीसीएस में भी पूछा गया था। इस बात को आप अच्छे से समझते रहिएगा कि आपको ऐसे कोई ग्राफ दे देगा, यहीं इसकी उठा लेगा, चाहे यहाँ से ले ले, चाहे यहाँ से ले ले, यहाँ से ले, कोई ग्राफ ले ले, इसको यहाँ कर देगा, इसको यहाँ कर देगा, इसको यहाँ, इसको यहाँ आगे पीछे कर देगा, इसको यहाँ कर देगा, इसको यहाँ, तो आपको ये ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए। समझ रहे नहीं कि सबसे पहले कौन सा था, पाल संस्कृत, संस्कृत बाद पाल, पाल के बाद प्रकृत, प्रकृत बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश बाद कन्फर्म हुआ। देखिए अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें आपके कुछ प्रश्न निकल रहे हैं, क्या निकल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत, नहीं समझ आया भाई, यहाँ देख रहे हैं ग्राफ, ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, खुद आप समझ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की आदि जननी कौन है, कन्फर्म हुआ भाई, अगर हमसे आज पूछा जाए कि आपके आदि जननी आदि जनक कौन है, तो वही है सब आदिमानव, वहीं से तो मेरा सबका विकास हुआ है, तो हमारे आदि जननी आदि जनक हैं कौन से, वही आदिमानव ही हैं। तो अब इसको ग्राफ से अगर कहा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो कौन सी है, स्टार लगा नीचे लिखते चलिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, जिसको आ रहा है वो केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संस्कृत आर्यों की भाषा थी, संस्कृत आर्यों की भाषा थी, नीचे से स्टार लगा के लिखिएगा सब, संस्कृत आर्यों की भाषा थी, और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ संस्कृत में, आर्य का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ, नीचे से लिखिएगा दूसरा स्टार, दूसरा स्टार नीचे से लिखाइएगा, देश की प्रथम भाषा, ये तो आर्यों की भाषा थी, अगर आप पूछा जाए देश की प्रथम भाषा कौन सा है, तो पाली, इस बात को लिखिएगा, देश की प्रथम भाषा पाली। दो प्रश्न है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि देश की प्रथम भाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी, पाली, क्योंकि यही जनसाधारण की भाषा थी, लोगों का विचार विनिमय सबसे ज्यादा इसी भाषा में होता था, किसमें, पाली में, ये तो पहली भाषा है, ये पहली भाषा के रूप में माना जाता है संस्कृत को, लेकिन अगर भारत की पहली भाषा के रूप में माना जाता है, कौन सी भाषा है आपकी, पाली। नीचे सीखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, नोट्स अपना घर पे बनाइएगा, महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। नीचे से स्टार लिखिएगा, महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए।
कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। नीचे स्टार लगाइए, नेक्स्ट, नीचे दूसरा नेक्स्ट वाला स्टार लिखिएगा। अपभ्रंश भाषा के जनक स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के जनक, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। लेट आओगे तो क्या होगा, इतनी सूचना दिया गया है, इतना भूख भूख के चिल्लाते हैं आप लोगों, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, चाहे 10 बजे आइए चाहे कितने बजे आइए। कल कह दीजिएगा हम तो पढ़े ही नहीं हैं, कहना ही तो है, साफ कह दीजिएगा हम पढ़े ही नहीं हैं, हम तो आए ही नहीं थे, बस बात खत्म हो जाएगा। अपभ्रंश स्वयं क्या लिखें, अब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के जनक कौन है तो स्वयं, नीचे लिखिएगा स्वयंभू द्वारा रचित, स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यु, पौमचर्यु इनकी रचना है, पौमचर्यु, पौमचर्यु जिसकी भाषा अपभ्रंश है, पौमचर्यु पौमचर्यु इसे राम का भी कहा जाता है, पौमचर्यु। अरे यहाँ देखो एक ना गधाएं हैं आप लोग एकदम, पौमचर्यु स्वयंभू द्वारा दिखे से एक बार ध्यान से सुना कि बस सीढ़ी नहीं लगा है, बटन डीपेंगे वहीं चाहेगा। स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यु जिसकी भाषा अपभ्रंश है, आपसे पूछा जाएगा यहाँ से पौम अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा का जनक किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। पौमचर्यु की रचनाकार कौन है, स्वयंभू है। पौमचर्यु की भाषा क्या है, अपभ्रंश है। कन्फर्म हुआ, नेक्स्ट लिखिएगा। ये आपका हुआ इस तरीके से, ये आपका रहा ग्राफ। आप यहाँ पे आपसे कभी भी पूछा जाए कि हिंदी भाषा के विकास का क्रम किस प्रकार से रहा, कैसा ग्राफ रहा, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये कौन सा है, संस्कृत, क्या बात कर रहे हो, संस्कृत, संस्कृत बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी, और फिर मानक हिंदी भाषा का विकास। कन्फर्म हुआ, ये ग्राफ आपकी जुबान पर रटा रटाया होना चाहिए। हमने बताया कि ये संस्कृत है, इसी से कुल भाषा विकसित हुई हैं, जितनी भाषा देखो सब इसी से विकसित हुई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत। कन्फर्म हुआ, अब हमने आपको बताया, इसके आगे बताया कि जो संस्कृत है ये आर्यों की भाषा थी, वैदिक काल की भाषा है ये संस्कृत। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। महात्मा बुद्ध ने अपने सारा उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए, और जो ये देश की प्रथम भाषा भी पाली को कहा जाता है। फिर आप आते हैं प्राकृत भाषा के, महावीर स्वामी अपने सारे उपदेश किस भाषा में देते हैं, प्राकृत भाषा में देते हैं, प्राकृत भाषा में। फिर आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ तो होता है पतन, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ पतन होता है, और अपभ्रंश एक भाषा है, और इसके जनक जो है अपभ्रंश भाषा के जो जनक हैं उनका नाम आता है स्वयंभू। कन्फर्म होगा, इनकी स्वयंभू की एक रचना है जिस रचना का नाम पौमचर्यु है, और उस रचना का भाज वो है आपका वो किसमें है, अपभ्रंश में। कन्फर्म होगा, और भी इसके कवि हैं, सब साहित्य में चलेगा इस तरीके से, आप यही पूरी भाषा नीचे से लिखिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछ दे कि हिंदी का जन्म किससे हुआ, इस ग्राफ से देखो लिखिएगा, हिंदी का जन्म, हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश, सात अपभ्रंश होते हैं, शौर श्रेणी, ब्राचट, पैसाची, नहीं अवट से नहीं जन्म इसका माना जाता है, क्योंकि शौर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी के, हिंदी का जन्म माना जाता है, नहीं तुरंत बाद नहीं है, लेकिन यही तो गलत है। ये बांगर जन्म माना जाता है हिंदी का, हिंदी का जन्म अपभ्रंश से माना जाता है, जो आपका है शौर श्रेणी अपभ्रंश से ही माना जाता है। नीचे सिटा लगा लिखेगा, हिंदी का जन्म अपभ्रंश से माना जाता है। कन्फर्म हुआ, ये आपका रहा हिंदी भाषा के विकास का क्रम, शब्द के विकास का क्रम हमने आपको बता दिया, अब दूसरा हमने आपको हिंदी भाषा के विकास का क्रम बता दिए। कन्फर्म हुआ,
ये पूरी कहानी आपकी अब हो गई, कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, किसी को कोई डाउट हो पूछता चलिएगा। अब आपका आएगा वर्ण। हाँ, अवट से आता है लेकिन अवट से नहीं माना जाता, माना आपका अपभ्रंश जाता है, क्योंकि हिंदी के जो उत्पत्ति हुआ है, अपभ्रंशों के सात प्रकार के अपभ्रंश होते हैं, ब्रासट, ब्राचट, पैसाची, सिंधी, इसके बाद आपका आता है सौरशिनी। तो सात अपभ्रंशों, हिंदी में सात अपभ्रंशों का प्रयोग होता है, जिसमें से हिंदी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो अपभ्रंश से माना जाता है, और अपभ्रंश से किस अपभ्रंश से माना जाता है तो सौरशिनी अपभ्रंश से माना जाता है। क्या चीज? नहीं, वो क्वेश्चन दूसरा कह रही थी। नहीं, जन्म मैं इसका बताया नहीं हूँ, कैसे कह रही हो? बिल्कुल तुम गलत सुनी हो। नहीं जी, इसका जन्म यहाँ से होगा, कैसे होगा? ग्राफ ये कह रहा है तो जन्म कहाँ से ऑट से होगा? ऑट से बता तो गलत तुम्हारे दिमाग बैठा है। नहीं, आता भले से है, एक सामान्य तौर पे कह दिया जाए तो भले से हो सकता है, लेकिन अगर एक व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका विकास जो है आपका अपभ्रंश से ही हुआ है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपका उत्तराखंड सीटेट में, ओटेट में, कि हिंदी का जन्म किससे हुआ, तो हिंदी का जन्म आपके किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ, कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट देखिएगा वर्ण। दो टॉपिक हमने आपको बता दिया है, ये दूसरा टॉपिक देखिएगा वर्ण। देखिए वर्ण, वर्ण क्या है? पहले आप इसको धीरे धीरे छोटा छोटा चीज समझिएगा। वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार होता है, जहां जहां प्रश्न पूछा गया है हम आपको सब बताते भी चल रहे हैं। वर्ण के अगर बारे में समझा जाए तो ये कहा जाता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वहाँ अगर आपको कभी भी परिभाषा दे कि वर्ण क्या है तो आप बताइएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। कन्फर्म हुआ? और अगर इसे कहें तो जिसे तोड़ा ना जा सके, छोटी इकाई मतलब कि लघुत्तम इकाई, या इसे कह सकते हैं लघुत्तम इकाई भी कह सकते हैं, लघुत्तम इकाई यानी एकदम छोटी। छोटी का मतलब होता है उसे और तोड़ा न जा सके, उसे और छोटा न किया जा सके, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे देखिए सब वर्ण हैं आपके, आप पूरा हैं, आपका अस लेकर के ये पूरा हैं, आपके ह तक ही वर्ण माने जाते हैं आपके, पूरा पूरा देखिएगा, ये सब आपके क्या हैं? वर्ण हैं। अ है, अब इसे अ लिखा है तो इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, आ लिखा है तो इसे और छोटा, ये सब अपने में क्या हैं? कंप्लीट हैं, पूरा हैं। आपका क लिखा है ये आपका क्या वर्ण है, ख लिखा है ये आपका क्या है वर्ण है, आपको ग लिखा है ये आपका क्या है, सब क्या है आपके? वर्ण। लिखिए इसमें, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। कन्फर्म हुआ? देखिए अक्षर कह रहे हैं, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, ध्यान देखिएगा, और अक्षर का अर्थ ही होता है अनासमान। अनासमान का क्या मतलब होता है? जिसका नाश ना हो, जिसे और तोड़ा ना जा सके, जिसे और छोटा ना किया जा सके, वही क्या कहलाता है? लिखिएगा, अक्षर का अर्थ होता है अनासवान, जहां अक्षर का अर्थ अनासवान होता है, अर्थात जिसे तोड़ा ना जा सके, अर्थात जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके, वह वर्ण कहलाता है। जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहा जाता है?
वर्ण, जिसे तोड़ा जा सके, जिसे और छोटा ना किया जा सके, क्या कहलाता है आपका? वर्ण कहलाता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट वर्ण से संबंधित? तो यही है कि सभी वर्ण हैं, अस लेकर के ज्ञान तक ये सभी वर्ण हैं, अ कैप सारे स्वर सारे व्यंजन सभी सब क्या हैं? सब वर्ण हैं। इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, इनको और तोड़ा नहीं जा सकता, ये खुद ही ऑलरेडी क्या है? छोटा है। अब ये अर्थात भाषा की सबसे छोटी खुद ही लघु उत्तम इकाई है, इसे छोटा नहीं। आप कभी देखो वर्णमाला नहीं लिखा रहता है, वर्ण से संबंधित सारी चीज़ें रहती है। तो वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये सब व्यंजन ये सभी टोटल क्या हैं आपके? सभी वर्ण हैं, इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, इनको और इनका यानी संक्षिपण यानी किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहते हैं। नीचे से लिखिएगा, वर्ण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, ये वीडियो में पूछा है भैया आपके, ये जो इस बार पेपर हुआ था, वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो वर्ण कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है आपका स्वर और दूसरा आपका क्या होता है? व्यंजन। ये सबको भाई अच्छे से याद होना चाहिए। दो भेद हैं इसके, एक होता है आपका स्वर और दूसरा आपके क्या होता है? व्यंजन। बात स्पष्ट हुआ? अब पहले आप इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आप उसके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। देखिए जो स्वर है, पहले आप स्वर के बारे में पढ़िए, स्वर क्या होता है सुनिए, पहले तुम लिखवा दे रहे हैं। स्वर का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण, इनकी परिभाषा अगर हम दिया जाए, इनकी परिभाषा अगर दिया जाए स्वर की, तो कहिए ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो। किस प्रकार से स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? कि इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता का आवश्यकता नहीं होती, वे हमारे क्या कहलाते हैं? बात स्पष्ट हुआ? कन्फर्म हुआ कि ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता का आवश्यकता नहीं पड़ती, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नहीं समझ पाए? जैसे देखिए, अब हमने लिखा अ, ये मेरा क्या रहा? स्वर। लेकिन अगर हम यहाँ क लिख रहे हैं तो ये मेरा क्या है? क्यों व्यंजन है? कि इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता का आवश्यकता नहीं पड़ी, ये मेरा स्वतंत्र है। लेकिन इसमें उच्चारण देखिए, जब क कहते हैं तो आधा क और धन, क्योंकि देखिए हम कहते हैं क, क कहते हैं तो क के साथ अ का भी उच्चारण करते हैं, अर्थात व्यंजन में स्वर क्या होता है? जुड़ा होता है। नहीं समझ रहे हैं? तो अगर इस पे ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र रूप से अगर उच्चारित होता है तो वह स्वर कहलाता है, और अगर स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है तो वह क्या कहलाता है? नहीं समझ पाया? इसको लिखिएगा नीचे से, हाँ नीचे लिखिएगा, स्वर रीडिंग डाल कीजिएगा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले सब भाई बेसिक चीजें हैं और सबके जुबान पे होनी चाहिए बेसिक चीज, नहीं तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा आप देख रहे हैं इनके उच्चारण किसी की सहायता पड़ रही है? नहीं पड़ रहा है। प्रैक्टिकल आप करते चलिएगा, इनके उच्चारण किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता का आवश्यकता नहीं पड़ रही है, लेकिन इनके उच्चारण में सहायता का आवश्यकता। बात स्पष्ट हुआ? कन्फर्म हुआ? स्वर आप समझ पाए ना? तो सर स्वर होते क्या हैं? स्वर क्या होते हैं? इनका उच्चारण कैसे होता है? उच्चारण कैसे होता है? बात स्पष्ट हुआ? अब थोड़ा स्वर के बारे में देखिए, अब केवल स्वर के बारे में देखिए, स्वर के बारे में देखिए, तो ये आपकी यही स्वर हैं, इसके बाद आपका क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद आता है आपका ऋषि वाला री, इसके बाद आता है ए ऐ, ऊ औ, और कौन सा आपका अंग, ये आपके स्वर हैं। इससे आपका किस प्रकार से प्रश्न बनता है, पहले ध्यान देखिए। जब इसमें इसमें कई प्रश्न बनेगा, जब आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब कितना है? 11। कन्फर्म हुआ?
जब पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितना है, तब कितना है आपका 13। कन्फर्म हुआ? पहले इसको लिखते चलिए, आप लोग इसको लिखते चलिए। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनेगा, एक जब पूछे स्वरों की संख्या कितनी है तो, और जब कुल जोड़ दे तो कितना हो जाता है 13। अब 13 है तो कौन कौन से दो नहीं है आपके, अंग और अ। देखिए ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, बोर्ड पर देखिए, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये दोनों, ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें कहा जाता है अयोगवा। क्या कहा जाता है? अयोगवा। हाँ, जब स्वरों की संख्या कहे तब आप कितना करेंगे, और जब कुल स्वरों की संख्या कहे तब कितना करेंगे, कुल में यही दो शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग और अह ये न तो स्वर होते हैं और न ही क्या होते हैं, व्यंजन। इसे न पूरी तरीके स्वर ही माना जाता है, न तो इन्हें पूरी तरीके से व्यंजन ही माना जाता है, इन्हें कहा क्या जाता है, अयोगवा। ये आपके जूनियर टेट में दो दो तीन तीन बार पूछा जा चुका प्रश्न है। और अयोगवा की संख्या कितनी है, जैसे संस्कृत में पूछ लिया था पिछली बार टेट में कि अयोगवा की संख्या कितनी है संस्कृत में, ना तो हिंदी में अयोगवा की संख्या कितना है। अब थोड़ा समझ लिया अयोगवा कहा किसे जाता है, आपको परिभाषा कभी पूछ देगा योग वाक से कहा जाता है। तो अ का अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ होता है गणना किए, जो वाक अर्थ होता है वहन करे निर्वहन करे अर्थ को बताए, अर्थात जिसकी गणना न की जाए फिर भी कुछ अर्थ दे वही क्या कहलाता है, नहीं बात हो सोच। अब देखिए ये रहा आपका, यहाँ तक हुआ आप सबका, सबका हुआ। अब नीचे सेटिंग डालिएगा स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान से मतलब हमारा क्या है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित किया जाता है, हम यही चीज में जानते हैं। यही उच्चारण का मतलब कि अगर आवाज गले से निकलेगी, ध्यान रखिए यहाँ से आपका प्रश्न बनता है हर बार, यदि आवाज गले से निकलती है तो वह क्या कहलाएगा, कंठ कहलाएगा। अगर जीवा हमारी ताल को छू देती है तालब, अगर ओठ कार्य करता है ओष्ठ कार्य कहलाता है, अगर गले से और दोनों के साथ साथ करते हैं तो कंठोष्ठ कहलाता है, अगर कंठ के साथ साथ अगर जीवा ताल को छूते हैं तो कंठ ताल कहलाता है। कन्फर्म हुआ? तो अब देखिए उच्चारण आप लोग करिए और आप लोग लिखते चलिए, करें आवाज़ कहाँ निकल रही है, आवाज़ कहाँ निकल रही है, कंठ से, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं आपके, कंठ। आ का पूछ दे अ का उच्चारण क्या है, कंठ है, आ का उच्चारण क्या है, कंठ है, या दोनों साथ दे दे या अलग अलग दे दे, कहीं मिला जुला करके आप समझते हैं, अब इतना है नहीं आप लोगों, आप पकड़ लेंगे। तो आ अगर कहे तो आप किस तरीके से समझेंगे, कंठ। देखिए जब आ के बाद हम जब ई का उच्चारण करते हैं जीवा हमारी किसको छू देती है, ताल को छू देती है, इसलिए ये कहलाता है ताल या तालव्य, ताल या तालव्य। कन्फर्म हुआ? आप देखिए जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं, आप देखो आप लिखो करें ऊ, क्या कर रहा है, अगर ओठ कार्य करना है आ ई ऊ, अब कार्य क्या कर रहा है, ओठ कार्य कर रहा है, तब ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ओष्ठ। हुआ? कहाँ, अरे शुरुआत से पढ़ो, अरे तुम्हारे अनुसार नहीं होगा ना, तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ होगा, व्याकरण के अनुसार है। अब तुम्हारा जीव नहीं छू रहा है तब क्या किया जाए बताओ, अब तुम्हारी जीव नहीं छू रही है, हाँ छू रहा है तभी तुम्हें बता रहा हूँ। अरे यहाँ से इसको नहीं पढ़ना है, शुरू से पढ़ेंगे तब आएगा। ई जब करते हैं जीवा ताल को छूती है, आपको नहीं आ रहा उच्चारण, नहीं सिर्फ कर पा रहे हैं इसे। देखिए जब री का उच्चारण करते, बात मत करो, री का जब उच्चारण स्थान का, देखिए जब री का करते हैं तो जीवा हमारी क्या होती है, ऐसी मुड़ जाती है, जीवा मुड़ जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मुर्धा। मुर्धा का अर्थ ही होता है मुड़ना, जीवा ऐसी मुड़ जाती है इसलिए हमारा क्या कहलाता है, मुर्धा कहलाता है। कन्फर्म हुआ सबका? चलिए अब जब हम ए आए का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ कहाँ से निकलती है, कंठ से, और साथ ही साथ जीवा किसको छू देती है, ताल को, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है, कंठ
प्लस है, और किसी को नहीं छू रहा है, चले अगर नहीं छू रहा है तुम इसे रट लो, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। अगर नहीं छू रहा है तुम इसे सिर्फ सिर्फ सीधा रट लो बस, हुआ। चलिए अब जब ओ औ का उच्चार करते हैं, ओ औ, देखो ये कार्य कर रहा है नहीं, और साथ ही साथ आवाज कहाँ निकल रही है, कंठ से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ। कंठ धन ओष्ठ, यानी दोनों कार्य कर रहा है, इसी पूरा अगर कह दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कन्फर्म हुआ। आप देखिए अह का केवल अगर हम अह का उच्चारण करते हैं, अह का उच्चारण करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंठ। लेकिन अगर हम अंग का उच्चारण करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, नासिक। नासिक का क्या मतलब होता है, आवाज कहाँ से निकलती है, मुंह के साथ साथ कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है, इसीलिए अंग अंग कहते हैं। तो अंग कहने के बाद मुख के साथ साथ नाक से आवाज निकलती है, वायु का निगमन मुख के साथ साथ नाक से भी होता है, इसलिए इसे कहा जाता है नासिक। और अह को क्या कहा जाता है, यहाँ से आपके टेट सुपर टेट में एक एक प्रश्न हर बार पूछा गया है लगातार, किस चीज को, ये देखिए अंग का उच्चारण करेंगे इसलिए कहते हैं, जब बताने लगे तो बोर्ड पर देखा करो, जो अंग का उच्चारण करते हैं तो ये कहाँ से आती है, मुख के साथ नाक से वायु का निगमन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नासिक कहलाता है। स्वरों केवल यही एक हो है, और व्यंजन में पांच हैं बताएंगे, केवल इसमें एक हो है, कौन सा है आपका, नासिक। और इसके बाद अह का उच्चारण करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कंठ होता है। कन्फर्म हुआ, इसको सब लिख लीजिए जल्दी करो, हो गया सबका। हाँ हुआ सबका, आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब इसमें अगर एक दूसरा अगर कह जाए संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर इसमें कौन से हैं, ए ऐ ओ औ, ये चार संयुक्त स्वर हैं आपके। इस बार आपसे पूछा जा सकता है ये कि संयुक्त स्वर कौन कौन से मिलकर के बने हैं, बताओ जी कौन कौन सा मिलकर के बना है, हाँ किससे मिलकर के बना है, जो पढ़े हैं वो बताएं। चलिए ये कहते हैं कि अ और ई मिला है तो क्या बना है, ए, और अ और उ मिला है तो क्या बना है, ओ। कन्फर्म हुआ, अ धन ए मिला है तो क्या बना है, ए, और अ धन ओ मिला है तो क्या बना है, ये सबको रटा रटाया नौचान होना चाहिए, कौन सा स्वर किसके साथ मिला है आपको आगे पीछे करके दे देगा, संयुक्त स्वर कौन सा, ये आपके कैसे हैं, आपके संयुक्त स्वर। सबका हुआ, सबका हो गया, ये आपको संयुक्त संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है भैया, अयोग वाक संख्या कितना है, स्वरों की संख्या कितना है, कुल स्वरों की संख्या कितना है, ये सबको रटा रटाया होना चाहिए। आगे देखिए, मिटाएं अब इसे मिटा दें, अब अगले संडे को जब बुलाएंगे तब आपको केवल साहित्य पढ़ाएंगे 3 घंटा। अब देखिएगा स्वर के प्रकार,
जी अब इतना है भाई इसके प्रकार। हाँ जीवा के प्रयोग के आधार पर कुछ पढ़े रहेंगे तब तो पकड़ पाएंगे क्या लिखा है आगे पीछे। जब एकदम जीरो हैं तो कहाँ समझेंगे। उच्चारण या मात्रा के आधार पर, जीवा के प्रयोग के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। ये आपका जो है उच्चारण या मात्रा के आधार पर तीन होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जीवा के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, पश्चस्वर, मध्यस्वर। मध्यस्वर को केंद्रीय स्वर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सीटेट में पूछा है आपके उसमें केवीएस में। आप ये ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी और मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। इस प्रकार की संकेत इतना विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं तो इतना विस्तार से पूछेंगे भी, ये भी बता रहे हैं। अब नहीं बताएगा जो ना तो उसको तुरंत भगाएंगे, तुरंत उसके पैसा देके उसे तुरंत भगा दिया जाएगा क्लास। नहीं नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार हो हैं। भाई भीड़ नहीं मचाना है, दस ही लोग रहेंगे वही लोग अच्छा से परफॉर्मेंस कर देंगे वही बहुत है, भीड़ मचाने की कोई यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ लीजिए पूरा ख़त्म हो जाए, आपको समझ में आया क्या मतलब है। पढ़ो तो कम से कम 70% 80% आए। हिंदी आप पूरा पढ़ते चले आ रहे हैं हमेशा चढ़े आए। कोई दूसरा सब्जेक्ट होता चलो कोई बात नहीं है, हम संविधान पढ़ाते आपको नहीं याद होता हम नहीं बोलते कोई बात नहीं, रीजनिंग पढ़ाते आपको नहीं आता हम नहीं बोलते कोई। अभी इन सब सारी चीज़ें आप इतने दिन से रटते चले आ रही, एक ही चीज़ पढ़ते चले आ रहा हो बचपन से। अब इन चीज़ों में आपको बचपन से आप उल्टा सीधा पढ़ें या हम आप क्रम दे रहे हैं पढ़ने का, इसके बाद अगर आप गलती कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार उसके आप होंगे। बताया जाए आगे, आगे चला जाए। चलिए देखिए ये लिखा है उच्चारण या मात्रा के आधार पर, कन्फर्म हुआ। देखिए हर्ष का क्या मतलब होता है, कम। हर्ष क्या का मतलब होता है, कम। तो ये होता है ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का, एक मात्रा का, एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है। और लिखते चलिए पॉइंट, जिसको नहीं आता होता स्पीड में लिखते रहेंगे। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। हुआ। अब इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, इसके उदाहरण देखिएगा ऊपर लिख रहे हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और इसी वाला, इनकी संख्या चार। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और इसी वाला री, यही हर्ष स्वर कहलाते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है, एक मात्रा। चार मात्रा होता ही नहीं होता, एक मात्रा नहीं, एक मात्रा इसका, एक मात्रा इसका, एक मात्रा इसका, एक मात्रा इसका, संख्या चार है मात्रा, यानी एक मात्रा इसका, एक कुल मात्रा बता दी जोड़ कर। तो इनकी मात्रा कितना होता है, एक। हम आपको जब छंद बताएंगे मात्राओं को गिनना, कैसी मात्रा को काउंट करेंगे, तब भी आप यहाँ जानते रहिए कि हर्ष स्वर होते इनकी मात्रा कितनी होती है, एक। आप यहाँ छोटा छोटा चीज जाने रहेंगे तो वहाँ जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखिएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में लिखिएगा, दीर्घ यानी बड़ा होता है। ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। इसके उदाहरण देखिएगा, इसके उदाहरण देखिएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ, ओ, ये आपके कैसे हैं, दीर्घ स्वर। कन्फर्म हुआ, ये आपके दीर्घ स्वर, इनकी मात्रा कितनी होती है, सात नहीं दो। संख्या कितना होता है, दो। कंसंट्रेट होके बैठिए, मात्रा कितनी होती है, दो। इनके उच्चारण मात्रा का समय कितना लगता है, दो। संख्या कितना है,
खान पर मुगा स्पष्ट हुआ सबको। ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें छोट समझ लीजिएगा, एक जो आ होता है आ, ये ऐसे लिख रहा था अर्धचंद्रकार बिंदु, इसमें ही के अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर के ही अंतर्गत इसे रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे कुछ लोग इसको इसमें जोड़ते हैं तब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ व्याकरण विद इसमें जोड़ना चालू कर दें तब इनकी संख्या कितनी हो गई है, इसे कहा जाता है आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब क्या होता है भैया, आया हुआ, बाहर से आया हुआ। तो ये जो लगता है ये अंग्रेजी वर्णों पे ही लगता है, बता रहे हैं कहाँ लगता है अंग्रेजी वर्णों, जैसे डॉक्टर लिखते हैं देख रहे हैं नहीं डॉक्टर, तब ये कहाँ लग जाता है ये वाला अर्धचंद्रकार बिंदु कि ये इस मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, देख रहे हैं नहीं। जैसे डाल लिखते हैं, डाल देख रहे हैं नहीं, अगर डाल लिख देंगे तो टहनी हो जाएगी पेड़े वाला, अगर इस तरीके से अगर इससे लिख दे रहे हैं कि डाल हो जाएगा टहनी वाला, लेकिन ये डाल है, ये बताया कि ये आगत स्वर है, ये आगत स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, बात को समझिए, और इसे अंग्रेजी वर्णों पर ही ये लगता है, नहीं समझ पा रहे हैं, ये हिंदी वर्णों पर नहीं लगता है, ये खास करके किस पे लगता है, विशेष रूप से अंग्रेजी वर्णों पे लगता है, इसी को आगत स्वर कहा जाता है। अगर मिला जुला के जैसे दे देता आप इसको जानते रहेगी ये क्या है आपका, कहाँ लगता है अंग्रेजी वर्णों पर, कन्फर्म हुआ। हाँ नहीं, अब अभी ये 7 ही संख्या बताएंगे, पहले जब इसकी पूरी घोषणा हो जाएगी तब आप संख्या कितना बताएंगे, 8। आप इसको जानते रहिएगा कि यह भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। नहीं ठीक है, प्लूत स्वर, प्लूत स्वर ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर। कन्फर्म हो भैया, सबका कन्फर्म हुआ। देखिए इसमें कितने मात्रा कितना लगता है, लेकिन हिंदी में इसका व्याकरण में इसका प्रयोग न के बराबर है, ध्यान रखिएगा। यही 2 हैं, इसीलिए ज़्यादा व्याकरण भी इसी 2 की देते हैं, आपका हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। इसका प्रयोग जहाँ है, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, प्लूत स्वर का प्रयोग जो है संस्कृत में है, समझ नहीं, इसमें 3 मात्रा का लगता है, लेकिन हिंदी में कोई वर्ण 3 मात्रा का बताओ, इसमें कोई जितने स्वर बताएं कोई इसमें 3 मात्रा लगा है, नहीं लगा है, तो 3 मात्रा का कोई होता नहीं है। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से आप इस बात को जानते रहिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे नाटक में दूर स्थित किसी व्यक्ति को पुकारने में, इसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, हाँ हाँ, जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम तो हम ओम लिखते हैं तो ऐसे इसी बना देते हैं 3 की तरह, तो अब समझ में आ जाता है कि कौन सा स्वर का प्रयोग किया गया है, फ्लूट स्वर का। कन्फर्म हुआ। अब नाटक वगैरह खेल रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर ओम कहना हो तो ओम थोड़ा थोड़ी ना कह देगा, वो तब ओम कह देगा तब तो आपका इसी दीर्घ में ही आया ओम, लेकिन अब उसे कहेगा ओम काफ़ी समय तक खींचे इतना क्या उसमें 3 मात्रा का समय लग जाए, तो व्याकरण में इसका प्रयोग तो नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे है, नाटक में आदि चीज़ों में। जैसे आप नाटक को कराएंगे कहीं पे, जैसे राम कहते हैं तो राम करते हैं ऐसे 2 पाई बना देते हैं, देख रहे हैं कि नहीं, क्या गलत है, हम कह रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का इस तरीके से बना दिया जाता है तो ये समझ में आता है कि इसमें कितने मात्रा का प्रयोग किया गया है, 3 मात्रा। जैसे आप क्या आप ड्रामा खिलवा रहे हैं क्या कोई कर रहे हैं, किसी को व्यक्ति को अगर बाण लग जाता है जब वो राम तुरंत नहीं कहते, जैसे खींचेगा थोड़ा सा, जैसे राम को पुकार रहा है तो राम करे खींचेगा, तो यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं तो हमें समझ में आएगा कि आप नाटक खिलवा रहे हैं बच्चों को, आप टीचर हैं नाटक खिलवा, तो इस तरीके से बच्चों को लिख कर देंगे इसके बारे में आप बताएंगे कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो बच्चा आपको उस तरीके से उसका उच्चारण करेगा, नहीं समझ आया। जैसे छत उत पे लोग चढ़ जाते हैं, वो अपने बच्चों को बुलाते कहते हैं मोहना रे, खींचते हैं ना मोहना रे ऐसे कहते हैं, तो आप देखिए कह रहे हैं कि मोहना रे, देख रहे हैं ना, आप ऐसे ऐसे कर देंगे, देख रहे हैं नहीं,
अब इसमें हम आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, हाँ पुलुस्वर का प्रयोग किया गया, इसलिए हमने बता दिया कि इसका प्रयोग व्याकरण ना हो करके इसका प्रयोग कहाँ है संस्कृत में है, और कहाँ इसके साथ साथ है एक नाटक वगैरह इन चीज़ों में, कहानी वगैरह में इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। बात स्पष्ट हुआ, कन्फर्म हुआ? तो इस तरीके से आप ये चिन्ह देख लेंगे, इस तरीके से आप नाटक बच्चों को खिला रहे हैं तो आप जान जाइएगा कि इस तरीके से आप उन बच्चों की ये बात बताएंगे, पुलुस्वर के बारे में बताएंगे, इस तरीके ऐसा होता है तो बच्चा आप इस तरीके से उच्चारण करेगा, नहीं तो इसे कह देगा मोहना रे एक बार का शांत हो जाएगा, अब नहीं तो तब खींचेगा वो, नहीं समझ रहे हैं, राम कह के एक बार सन्न हो जाएगा तो उतना अपना आपका इतना रमणीय नहीं हो पाएगा, बहुत सुंदर आपका नाटक नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छा नहीं जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होगा, परफॉर्मेंस तब होगा जब आप इस चीज़ के चिन्ह के बारे में उसे अवगत कराएंगे, इस तरीके से होगा, कन्फर्म हुआ? चलिए आगे देखिएगा, हर्षस्वर ये आपका अग्रस्वर कभी इसमें मात्रा के, तो आप लिख तो रहे हैं मात्रा का आधार पर, हाँ नहीं दो नहीं रहेगा तीनों रहता है, नाम तीनों का आता है, क्या तुम पूछ रहे हो बताओ, साफ नहीं तुम कर पा रहे हो, हाँ बताओ क्या कर रहे हो, मादा मात्रा का आधार कितने पर भेद हैं, तो आप तीन भेद बताएंगे, फ्लूत्सर वाला व्याकरण होता नहीं लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका हिंदी में प्रयोग है, व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, लिखित रूप से नहीं, व्याकरण के रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग नहीं समझ पा रहे हैं, व्यवहारिक को समझते नहीं। देखिए अग्रस्वर, अग्रस्वर ये हमारी गलती है, दुर्गेश सर की गलती है जो ये पूरा यूट्यूबर्स चलाते हैं घुमा घुमा के, लिखवाएं तब आपको समझ में आए, अब घुमा घुमा के पढ़ाओगे तो घुमा घुमा के आप लोग घूम जाते हैं, जब छोटी छोटी बातों को लिखवा करके बताओगे तब समझ में आएगा, जैसे घुमाते रहोगे तो घूमते रहोगे आप लोग, मेरी गलती नहीं है ये, दुर्गेश सर की गलती है। लिखे अग्रस्वर, जैसे जैसा अग्रमाने देख रहे हैं क्या है आगे, अग्रमाने आगे, इसमें लिखेगा ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कार्य करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कार्य करता है, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं, जीवा का आगे वाला भाग कार्य करेगा, आप बताइए, इसमें आपका है ई ए ए, ये चार हैं, ई ए ए, इन्हें क्या कहा जाता है, पश्च स्वर में लिखिएगा, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग कार्य करता है, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग कार्य करता है, आप लोग थक जाइएगा तो बता दीजिए, हाँ ऐसे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग कार्य करता है, पश्च माने पीछे का, इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं आपके, उ उ ओ औ, आप इसके अंतर्गत लिखेगा मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, ये आपके कई बार पूछा गया है, ये चर्चा न करके इसका केवीएस में पूछा है, केंद्रीय स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, इसके केवल अ है इसका उदाहरण, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कार्य करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, आ उ ओ औ ये आपके पश्च स्वर, ई ए ऐ ये अग्रस्वर, और अ जो है वह किसके अंतर्गत आता है तो मध्य स्वर के अंतर्गत, हुआ इसके इसका जब उच्चारण करते हैं जीवा का हमारा आगे का भाग कार्य करता है, इसलिए से कहा गया जीवा के प्रयोग के आधार पर, जीवा का आगे का भाग कार्य करता है इसलिए हम क्या कहते हैं इसे अग्रस्वर, जीवा के पीछे का भाग कार्य करता है इसलिए हम कहते हैं कि क्या कहते हैं पश्चर, ए आता है आ उ ओ औ, और मध्य स्वर के अंदर केवल आता है आपका आ, जहाँ जीवा का मध्य भाग कार्य करता है, कन्फर्म हुआ कि ये आपका क्या है,
कन्फर्म हुआ अब केहू जिहुआ का आगे पीछे भाग कार्य न कर रही तब तो हमें हम का कैसे किए, क्योंकि हम इसे बदल भी नहीं सकते आपके अनुसार, क्योंकि कितने व्यासा व्याकरण भी इसमें लगे हैं तब इसका बनाए हैं इसको, अब किसी का आगे पीछे न काम करे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब किसी में अगर जैसे आपका नहीं काम कर रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चलिए आगे देखिएगा, वृत्त मुखी री को नहीं जोड़ा जाता है, किसी में नहीं रखा जाता उसे। हाँ 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 नहीं बनता है, बनता लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए वृत्त मुखी, वृत्त मुखी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ वृत्त लिखा हुआ है देख रहे नहीं, अगर ओठ इसके कैसा वर्ण या अक्षर जिसके उच्चारण करते समय ओठ वृत्ताकार या गोलाकार हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, वृत्त मुखी। इसको लिखना नहीं, इसे ध्यानपूर्वक समझ लिखो, वाल ओठ वृत्ताकार या गोलाकार हो जाता है तो वह कौन सा होगा, वृत्त मुखी। और अ का मतलब होता है अनक, मतलब नहीं, अगर ओठ वृत्ताकार और गोलाकार नहीं होता तो वह क्या कहलाएगा, वृत्त मुखी। बात स्पष्ट हुआ, अब बताओ वृत्त मुखी के अंतर्गत आप लोग बताओ कौन कौन सा आ सकता है, देखिए ओ यही आएगा, ये चार ठो हैं। अब इसके बाद जो बच रहे हैं वह सब क्या होंगे, अब हाँ किसमें, हाँ अवृत्त मुखी में गलत लिखी होगा, गलत लिखी हो नहीं, तुम गलत लिखी हो क्या चीज, कन्फर्म हुआ, इन्हीं के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार और गोलाकार इन्हीं के उच्चारण में होता है, और ये वृत्त मुखी होते हैं, इनके उच्चारण ओठ वृत्ताकार और गोलाकार कन्फर्म हुआ। वह के विवृत स्वर, देखिए आपका एक है विवृत और अर्धवृत्त। विवृत को देखो अंग्रेजी में कहा जाता है ओपन, ये आपका हाफ ओपन, ये है क्लोज, ये आपका क्या है हाफ क्लोज, यानी ओपन का मतलब होता है कि मुख द्वार पूरा खुला हो, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में मुख द्वार क्या हो पूरा खुला हो वो क्या आपका क्या कहलाता है, विवृत। कन्फर्म हुआ, इसमें लिख लीजिएगा आपका आ, ये आपका है विवृत, आ कहते हैं तो मुख द्वार क्या होता है पूरा खुला होता है, कन्फर्म हुआ। अब जब हम अर्ध विवृत करते हैं तो आपके क्या आता है अ, और आपका आता है आए, और आपका आता है औ, ये इसके उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है आधा खुलता है अ आ, देख रहे नहीं ए आए आए करते हैं तो हमारा मुख द्वार क्या होता है आधा खुलता है। समृत का मतलब क्या होता है क्लोज, लगभग मुख द्वार, लगभग लगभग मुख द्वार क्या हो बंद हो, इसके अंतर्गत आपका ई उ ये। और अर्ध अर्ध समृत की मुख द्वार क्या हो आपका हाफ क्लोज यानी आधा बंद हो, इसके अंतर्गत आपका कौन सा आता है जो बचा है आपका ए और ओ ये। लिख लीजिए इसको, इसकी हिंदी आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसकी अंग्रेजी पर ध्यान रखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। कह रहे हैं विवृत स्वर तो मुख द्वार क्या होगा ओपन खुला होगा आ, जब अर्ध विवृत यानी हाफ ओपन आधा खुला होगा तो आपके आएंगे ई ए आए और आओ, और समृत करेंगे तो आप क्या कहेगा ई और उ, और अर्ध समृत करेंगे तो ए आएगा और कौन सा आएगा ओ। कन्फर्म होगा,
ये हो गया आपका स्वर खत्म हो गया। किसी कुछ पूछना हो तो पूछते चलिएगा। अगला देखिएगा व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा लिखिए। जैसे अभी मैंने बता दिया स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब मैंने इसके पहले बताया था उसी चीज को। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हुआ हो गया। अब कल से क्लास जो है सुबह का क्लास आभा शर्मा देखेंगी और शाम वाला क्लास मैं लूंगा। आभा मैम शाम का क्लास मैं लूंगा और सुबह मुझे थोड़ा दिक्कत होती है यार लेट पर। और सुबह का क्लास आभा शर्मा बोलेंगी शाम का। देखिए व्यंजन देखिए कब भैया हमारे पास समय का अभाव है। हम क्यों नहीं, नहीं जो जैसे आते हैं वो इसी तरीके से आएंगे। सुबह का क्लास जो है आभा शर्मा देखेंगे, शाम का क्लास मैं लूँगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है इसी कारण। चलिए बार यहाँ देखिए बोर्ड पे व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है तो स्वरों की सहायता से क्या कहलाता है, बोले जाते हुए क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। बात स्पष्ट हुआ। स्वरों की सहायता से बोला जाने वाला वर्ड क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। बात स्पष्ट हुआ। अब देखिए इसके प्रकार देखिए। एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, एक होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, एक आपका होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। बस इतना ही है इसका चार ही भेद है। इसमें एक तो आपका आगे अलग से आते हैं आपका बनता है एक संयुक्त व्यंजन, दूसरा आपका है उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये तो इसके तीन भेद हैं। इसके बाद भी कुछ होते हैं जैसे आपके हो गए संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या उसी को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये आपका है अनुनासिक व्यंजन। कल बीले बी एल एड का कोई आपका टेस्ट था, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन को दो क्वेश्चन पूछा था, अगर कोई दिया होगा तो देखिए। स्पर्श व्यंजन ये पूरा क से लेकर के म तक आते हैं, बात ना करिए। और इनकी जो संख्या है कितना है, जो अंतस्थ व्यंजन है ये आपके हैं य र ल व, इनकी संख्या कितना है चार। ऊष्म या संघर्षी में ये आपके हैं स ख स ह, और जो इनकी संख्या है कितना है चार। संयुक्त व्यंजन में आपका आता है छ त्र ज्ञ और श्रीमान जी का श्र, ये चार संयुक्त हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है ड के नीचे बिंदी फिर ढ उसके नीचे बिंदी। अनुनासिक व्यंजन में आते हैं अंग इंग अड़ न म। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ पढ़ो फिर जाकर के उसे घर पर उतारो पेयर पे उन्हें, फिर उसे एक बार उस समय पढ़ोगे, फिर एक बार और पढ़ोगे दो तीन बार, एक बार परीक्षा के बाद तो आपके जुबान पर चढ़ जाएगा, याद नहीं होगा, भूलेगा नहीं। कभी है नहीं हलंत नहीं, वो कामा है सब लगे हुए हैं, हलंत नहीं है किसी फलंत नहीं है, तो कामा लगा लगा के लिखा गया है, हलंत किसी में नहीं लगा है। जहाँ हलंत आता है वहाँ मैं बताऊँगा हलंत यहाँ लगेगा।
चार प्रकार संयुक्त, असल बात ये इन्हीं से मिलकर के बना है इसलिए उनको अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन प्रकार कभी नहीं पूछा जा सकता आपका व्यंजन कितने प्रकार का होता है, पूछा ही नहीं गया है कभी। हाँ वैसे अगर देखा जाए सामान्य रूप से तीन ही, क्योंकि ये सब इसी में मिलेंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन है, देखिए हेडिंग डालिएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हेडिंग डाल के लिखिए पहले। इनकी संख्या 25 होती है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये पूरक का से लेकर के कहाँ तक होते हैं, माता कन्फर्म। स्पर्श का मतलब होता है छूना, जैसे वृत्त के ऐसी स्पर्श खींच दिया जाए, यानी वृत्त को छुके हुए जा रही है, ये रेखा वृत्त की क्या हो गई, स्पर्शी रेखा। भाई वृत्त को छूने वाली कर जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्शी रेखा कहलाती है। तो इनका जो उच्चारण करते हैं जीवा का कंठ तालु दंत मुर्दा ओष्ठ किसी न किसी तरीके स्पर्श होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्पर्शी कन्फर्म हुआ। देखिए हिंदी में नीचे से लिखिएगा नोट करके, हिंदी में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। हाँ नोट करके नीचे, हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, ये मैं वर्ग लिख रहा हूँ, हिंदी में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। पहला आपका कौन सा है, क वर्ग, इसके अंतर्गत आपके 5 अक्षर क ख ग और अन्य। फिर आपका है च वर्ग, च छ ज झ ञ। फिर आपका है ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण। फिर आपका त वर्ग, त थ द ध न। फिर आपका है प वर्ग, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर, इस प्रकार से कितने अक्षर, यही आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल यही क्या कहलाता है आपका, स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन हुआ। अब इनका उच्चारण स्थान देख लीजिएगा, इनका उच्चारण स्थान कैसे उच्चारित होते हैं। ये पूरा क वर्ग, क ख ग घ, ये पूरा क्या कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं। भाई स्पर्श व्यंजन कुछ नहीं, मैंने बताया कि इनका उच्चारण जीवा का कंठ तालु दंत मुर्दा ओष्ठ स्पर्श होने के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाता है, और क से लेकर के म तक क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितना है, 25 है। हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5। इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा है यही स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन का अगर उच्चारण स्थान देखा जाए तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। पूरा आपको ऐसे पूछा, घ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ग का उच्चारण स्थान क्या है, घ का उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कन्फर्म हुआ। देखिए अब चा छा उच्चारण उच्चारण करेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, तालु। कन्फर्म हुआ, जीवा तालु चा छा जा करते हैं तो जीवा का आकर्षित चाक छूती है तालु को। कन्फर्म हुआ। अब देखिए टावर का करेंगे तो टा डा डे आपका क्या हो जाएगा, आपका मूर्धा हुआ। ट ठ ड ढ करते हैं तो जीवा की सूची जाग सूची जी क्या कहलाते हैं आपके, मुर्दा। त थ द ध न इनका करेंगे तो अब क्या क्या होगा, दंत्य। क्यों, क्योंकि जीवा त थ द ध करते हैं, जीवा हमारी आप किसको छूती है, दांत को छूती है, और दांत को छूने के ही कारण इसे हम क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। अब प फ ब भ म, तो प फ ब भ करने के प फ ब भ करने क्या कार्य कर रहा है, ओट कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओष्ठ। जी हुआ, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक सब एक एक सब जुबान होना चाहिए भाई, नहीं तो झटके में पूछता है पेपर में, उतना समय नहीं रहता तो वहाँ गलती हो जानी चांसेस ज़्यादा होती है, किसी कोई डाउट हो पूछा करती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आप देखिएगा अंतस्थ, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। अंतस व्यंजन लिख लीजिएगा, अंतस व्यंजन इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को अर्धस्वर भी कहा जाता है,
इन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कन्फर्म हुआ, इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कहा तो सबको जाता है, लेकिन कुछ व्याकरण विधि है केवल दो को मानते हैं, देख रहे हैं नहीं? क्यों अर्ध स्वर, ये देखिए अर्ध स्वर, इन्हें को अर्ध स्वर कहा जाता है पूरे को, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं केवल यह है और क्या है वह है, केवल दो ही हैं आपके अर्ध स्वर, लेकिन इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इसीलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, अर्ध। कन्फर्म हुआ कि आपके अर्ध स्वर हैं आपके य र ल व। कन्फर्म हुआ, बिल्कुल लगा देंगे, क्यों? क्योंकि परिभाषा इसकी कहती है और माना भी गया कि यह अलावा ये सभी क्या है आपके, केवल आपको दिखाया है लूसेंट, केवल दिखाया है यह और वह की केवल चर्चा की है। कन्फर्म हुआ, आगे देखिए, यह का जो उच्चारण स्थान है ये आपका ताल, जो र और ल इन दोनों को देखिए, इन दोनों का उच्चारण है लुंठित या दंत मूल, और वह का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है दंतोष्ठ। ये वह वाला कई बार पूछा जा चुका है। पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ये टीजीटी में पूछा जा चुका है पार्श्विक वाला, इसका मतलब होता है वायु उच्चारण करते समय वायु जीवा के बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। कन्फर्म हुआ, दंत मूल अर्थात जीवा ऐसे लुढ़क करके गिरती है, इसलिए इसे कहा जाता है लुंठित या दंत मूल कहा जाता है इनका उच्चारण। और वह का कई बार पूछा जा चुका है, यह और वह ये दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं। यह का क्या होता है, ताल, र और ल का लुंठित या दंत मूल, और वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष। कन्फर्म हुआ, ल का आप ध्यान रखिएगा, इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है कि जिह्वा जो है मुख, जिह्वा जो है मुख वायु जो है जिह्वा के बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे क्या कहलाता है, पार्श्विक। दूसरा देखिएगा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी क्यों कहलाता है? देखिए ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, ऊष्म क्या मतलब है, गर्मी। इनके उच्चारण में व्यंजन के उच्चारण में जो है उसमें या व्यंजन का, इसके उच्चारण जो है मुख से वायु घर्षण या रगड़ खा के बाहर आती है और गर्मी के एहसास कराती है। जैसे आपको प्रैक्टिकल करना हो, एक नियत दूरी पर अपना हाथ लगाएंगे, सहक सहक उच्चारण करते, मुख से गर्म वायु निकलती है, और ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो यही आपके हैं, इसलिए नहीं क्या कहा जाता, ऊष्मीय लिख लीजिएगा, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु घर्षण या रगड़ खा के बाहर आए और गर्मी का एहसास कराए। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु घर्षण या रगड़ खा के बाहर आए, घर्षण या रगड़ खा के बाहर आए और गर्मी का एहसास कराए, उन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितना है, चार। इनका तो भैया उच्चारण स्थान आपको जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। जो बड़ा वाला स है इसका है तालु, तालु या तालब, दोनों बातें एक ही है। जो छोट ये वाला खड़कुड़वा वाला है इसका है मूर्धा, जो ये है ये आपका दंत, जो है ये इसका क्या है आपका, हुआ इस तरीके से आपको सब अच्छे से। आप लोग और विषयों पर पकड़ बनाइएगा, हिंदी के लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा,
केवल तीन तीन घंटा का, चार चार घंटा का दे दिए पूरे सप्ताह में, कुल पाँच दिन हमें मुझे दे दिए तीन तीन घंटे का। और आप, मैं आपका ये है कि जब पूछेंगे तो आप पूरा तैयार रखिए, बस हो गया, कुछ भी है नहीं। शायद तो मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा, सब रटा जाएगा, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। बस बात यही है कि आप समय जब देंगे हमारे साथ तब हो पाएगा। अब जो कल नहीं आया, आज नहीं आए हैं, वो कल कहेंगे हम तो पढ़े नहीं हैं, अब इतना फुर्सत नहीं है कि क्लास चलाया जाएगा। ये सबका हो गया। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। संयुक्त का क्या मतलब होता है? मिला। इसमें दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है। किसमें भाई? संयुक्त व्यंजन, जैसे उसे नाम है, संयुक्त का मतलब होता है मेल। इसी से आपका एक प्रश्न कल पूछा था बी एल एड में, तीसरे या चौथे सेमेस्टर कोई पेपर था कल, उनसे अमित सर पूछ रहे थे, हाँ, तो कल ये प्रश्न पूछा था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, संयुक्त जो व्यंजन है इनकी संख्या चार है, छत्र, ज्ञ और श्रीमान जी का सर। कौन कौन से हैं आपके? छत्र, ज्ञ और श्रीमान जी का सर, ये इनकी संख्या कितना है? चार। ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ये दो वर्णों से मिलकर के बने इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ये मिला, यही वाला पूछा था आपका कल, ये वाला। अब हम तो पेपर देखे नहीं थे, हमसे पूछ रहे थे, अमित सर पूछ रहे थे, मैं उनको बता रहा हूँ, मैथ वाले सर को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आधा क धन खड़कोड़ वाले कन्फर्म हुआ। इसी अगर आप और आप तोड़ देंगे तो ये आपका देखिए आधा क धन, इसमें से और सौर निकाल दीजिए, ये अब क्या बचा आपका? चाहिए दे दे, चाहिए दे दे, हुआ। इसमें देखें त्र वाले में तो आधा त धन र, इसे और तोड़ेंगे तो आधा त धन आधा र और धन, ज्ञानी वाला ज्ञान देखेंगे तो आधा ज धन इय, इसे और तोड़ेंगे तो आधा ज धन आधा इय और धन, स्वर निकाल दीजिए उससे। इनका देखिएगा, इनका ये आपका क्या हो जाएगा? बड़ा वाला स लेकिन आधा और धन र, अभी और तोड़िए इसे तो आपका क्या हो जाएगा? आधा से आधा रहा, ये लिख कोई दे दे, चाहे इधर से दे दे वाला दे दे, चाहे उधर वाला दे दे, आप इसको जानते रहेंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं जानते रहेंगे फिर दिक्कत होगा आपके लिए, हुआ। आ गया सबका, हो गया। ये कल पूछा था बी एलड में, तो इस तरीके से आप जानते रहिएगा। पूछा ये डायट प्रवक्ता में पूछा था, डायट प्रवक्ता में ये वाला सबसे ज़्यादा पूछता है। तो छत्री वाला छह को आप अच्छे से खूब याद करके रखिएगा कि यादा का धन खड़कोड़ वाले खास मिल करके बना हुआ है, इसका उच्चारण स्थान नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका दूसरा है उत्क्षिप्त व्यंजन, इसे द्विगुण रखा जाता है, यानी ये दो दो गुण रखते हैं, एक ड का एक ड का, ड ड, जैसे देखिए ये आपके हैं ना ड और ये देखो ऐसी बिंदी दे देते हैं कि ये। अब इनका मतलब अलग अलग होता है, और ये हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं ये दोनों, ये संस्कृत में नहीं था, हिंदी की विकसित ध्वनियाँ। ये दोनों हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं, और द्विगुण व्यंजन की जो संख्या होती कितना होता है? दो। ये आपका ड, जैसे देखिए सड़ना आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे बिंदी देखें तब ये सड़ना होगा, नहीं तो अगर आप बिंदी नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सड़ना हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। जैसे आप सड़क लिख रहे हैं, अब ये सड़क हो गया, अगर इस तरीके से दे आप बिंदी देंगे तो ये आपका क्या होगा? नहीं समझ रहे हैं, तो इस तरीके से। और इसका जो उच्चारण स्थान है बताओ किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में? ट वर्ग में। तो ट का मूर्धा होता है, तो इनका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। उसका मूर्धा होता था भाई, ये ट वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में ट ड ड, और ट का मूर्धा होता था, तो इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? रटना आपको नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे,
कन्फर्म हुआ ये आप। अनुनासिक व्यंजन आपके परीक्षा में पूछा है, लिखिएगा अनुनासिक व्यंजन, लिखिए हर वर्ग का, हर वर्ग का पंचमा अक्षर। अभी पांच वर्ग बताए हैं तो हर वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। इसका उच्चारण, इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। हुआ सबका? सबका हो गया? अब इसमें केवल आपके ये एक चीज छूट रहा है, अब यही एक चीज बता दें तो ये आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। हमने बता दिया संयुक्त मतलब क्या होता है, संख्या चार है, संयुक्त मतलब होता है मेल, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए संयुक्त कहा जाता है। ये आपके हैं छत्र या श्रीमान जी से यादा का धन, खड़कोड़ वाले का से आधा था धन, रस से आधा ज्या धन, इन से बड़ा वाला सा लेकिन आधा धन रस से मिलकर श्रीमान जी का सर। उत्क्षिप्त द्विगुण, ये दो दो गुण रखते हैं, ड ढ, इसलिए द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इनका उच्चारण जो है क्या है आपका? मूर्धा। फिर आप देखिए अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन क्या होता है? इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। हर वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वह क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। बात स्पष्ट हुआ? चलिए आगे देखिएगा, सघोष या घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। हाँ ये आधार पे था, क्या मनमानी थोड़ी है, बता रहे कि कौन सा आधार है। ये आधार पे भी है और इस बार तो इसमें टेट में पूछा जाएगा, टेट में ये इस बार पूछा जाएगा। चलिए देखिएगा पहले सघोष, पहले आप लिख लीजिए तब हम बताते हैं इसको। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, झंझनाहट, ऐसे वर्ण, स्वर कह देंगे तो केवल स्वर ही होगा, वर्ण लिख देंगे दोनों आ जाएंगे, ऐसे वर्ण, स्वर काट दीजिएगा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, झंझनाहट हो, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, झंझनाहट हो, कन्फर्म होगा, कंपन होगा, झंझनाहट होगा तो वह क्या कहलाएगा आपका? सघोष कहलाएगा। बता सकते हुए क्या कहलाता है? सघोष या घोष कहलाता है। हुआ सबका कन्फर्म? सबका हो गया? इसमें नोट लगा कर, नोट करके लिखते चलिएगा, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। स्वर तंत्र मतलब थोड़ा कम वाइब्रेट टाइप महसूस होता है, बस इसमें कुछ है नहीं बहुत। सभी स्वर क्या होते हैं? सब नीचे लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, स्टार लगा करके सब इसे लिखा चल दे। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर सघोष कहलाता है। हर वर्ग का सभी वर्ग बताया, क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर सघोष कहलाता है। आ रहा है? नीचे लिखेगा यर लव है, यर लव है सघोष होते हैं। ये अपराध सघोष हो गया है, यर लव यानी पूरा अंतस्थ और एक खिलो आपका है, अंतस्थ पूरा है और का है क्या है? कभी जब आपको आ जाए देखिए ऐसे यर लव, देखिए स
ख स ह, अगर इस तरीके से आपको दे दे, देखे इसमें स नहीं है ना, तो ये सघोष है, इसमें स है ना, ये सघोष नहीं है, तब क्या है? नहीं समझ पाए। इतने में अगर दे दे कि जिसमें स है, जिसमें स है वह क्या है आपका, जिसमें है वह नहीं है, और जिसमें है वह, कहने का मतलब इसमें स नहीं है तो ये सघोष है, इसमें स है तो ये सघोष, समझ पाए हैं? नहीं समझ पाया। हाँ तो एक तो आपका है ये एक के लिए अपवाद है, ये इसमें आता है, हाँ अर्थात तीनों स जो हैं, तीनों स क्या होते हैं? नेक्स्ट लिखिएगा अघोष, नहीं सुन मा रहा है, अघोष। अब जिनको बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, जब एकदम से आता ही नहीं तब क्या हाथ फिरना है बताए। अघोष ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, वर्ण कहिए, स्वर कहेंगे तो स्वर ही होगा, वर्ण कहेंगे टोटल हो गया होगा, वर्ण स्वर बोल दिए, स्वर काट के वर्ण लिखिए, गलत बोल दिए भाई। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, देखिए जो स्वर होगा वह, जो सघोष होगा वह अघोष, वो कैसे हो सकता है? एक ही चीज होगा, या तो सघोष ही होगा या तो अघोष, कहने मतलब सारे स्वर अब सघोष हो गए तो अब अघोष नहीं होगा, वो नहीं सुन पाए। हर वर्ग का दूसरा, भाई तीन चार हो गया तो पहला दूसरा क्या कहलाता है? सघोष, सॉरी अघोष। हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। नीचे लिखिएगा, अब यही जो बचे हैं आपके, कौन बचा है? हाँ सख, अभी तीन ठीक बचा है, उसको भी लिख लीजिए नीचे से शेषा लगा के, स स स सख स, ये क्या है आपके? सघोष, अघोष, अघोष भाई। हाँ अरे तो एम ए चला गया ना, ये सघोष हुए अघोष थोड़ा हुए, ना समझे, लेट समझा था। तो इस तरीके से अल्प प्राण इसको लिखवा इसलिए रहे कि ये बार बार पूछा जाता है कि अल्प प्राण, अल्प माने क्या होता है? कम, प्राण माने वायु, यहाँ वायु से संबंधित है, प्राण यहाँ जो है वायु से संबंधित है, अल्प माने कम, प्राण माने वायु। तो ऐसे वर्ण अच्छा जिनके उच्चारण में मुख से वायु का निगमन कम हो या कम समय लगे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। कन्फर्म हुआ? तो सीधा डायरेक्ट लिख लीजिए अल्प प्राण कौन कौन से हैं आपके। हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। हुआ? नीचे से स्टार लगाइएगा दूसरा। अंतस्थ्य भी अल्प प्राण कहलाते हैं। अब अंतस्थ में यार अलावा अब समझिएगा, यानी सभी हैं, यार अलावा अंतस्थ अल्प प्राण कहलाते हैं। हुआ? अब लिखिएगा महाप्राण। देखिए महा का मतलब होता है अधिक, बड़ा, प्राण माने वायु, यानी अधिक समय लगता है, मुख से वायु का निगमन अधिक होता है, वही क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। नीचे लिखे कौन कौन से? हर वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, हर वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। हर वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण, उसमें या संघर्षी व्यंजन भी महाप्राण कहलाते हैं।
उसमें या संघर्षी व्यंजन भी महाप्राण कहलाते हैं। केवल ये है का लफड़ा है, इसे ध्यान रखिएगा, ये सघोष होता है और सब आपका अलग अलग बटा हुआ है। कन्फर्म हुआ भाई? ये अलावा कहेंगे कम वायु निगमन कम होता है, जब सख सह का करते हैं तो मुख्य वायु निगमन कन्फर्म हुआ। हाँ, ये आपका यही स स स, ये तीन ठोक आपके क्या हैं? अघोष है। और ह आपका क्या है? कहने का मतलब स है तो ये स सघोष होना चाहिए था, लेकिन स सघोष नहीं है, ये आपका है क्या? कन्फर्म हुआ? ये आपका पूरा होगा। नीचे से लिखिएगा वर्णमाला, हेडिंग डालिएगा वर्णमाला, किसे कहा जाता है? देखिए वर्णमाला तो सब ही है ना, लेकिन आपके क्रम से हो, क के बाद ख हो, ख के बाद ग हो, ग के बाद घ हो, घ के बाद अंग, इस प्रकार से अगर होगा तभी वो क्या होगा? वर्णमाला। नहीं तो आपको पहले क दे, फिर च दे, फिर ख दे, फिर इस तरीके उल्टा सीधा, देखिए दो ठहराता है। एक ग्राफ में देखेंगे, एक को सही सही लिख रहा था बच्चों को ज्ञान कराने के लिए, एक में आगे पीछे देता है, यानी घुमा फिरा के कुछ मामा मिला करके, देखे हैं छोटी किताबों में। तो ये वर्णमाला जो जो क्रम से रहता है वही वर्णमाला कहलाता है, यानी वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला। बस ये व्यवस्थित हो जाए, बस इस बात को लिख लीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहने मतलब पहले स्वर, स्वर के बाद फिर व्यंजन, और सब क्रम से हो तभी वही क्या कहलाएगा आपका? वर्णमाला। लिखिएगा मात्रा। मात्रा किसे कहा जाता है? ध्वनि उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, अर्थात ध्वनियों को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ध्वनि उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। कन्फर्म हुआ? ध्वनि उच्चारण काल को क्या कहा जाता है? मात्रा। आ गया, आपसे पूछा जाए ध्वनि कहने का मतलब ध्वनियों को उच्चारण करने जो समय लगता है उसे क्या करते हैं? मात्रा कहने का। अगले हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हाँ नीचे लिखिएगा, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है? 52। अब सबको जोड़ लेंगे ना, कुल 52 आएगा, यानी 13 स्वर जोड़िएगा, 25 अंतस्थ जोड़िएगा, चार ठो आपका इस देखिए दिखा दे रहे हैं आपको, कुल स्वर कितना है? 13 हैं। यहाँ है ये नहीं, क्लास में है ये नहीं है तो कहाँ से पाएंगे? कुल स्वर 13 है, ये स्वर हो गया। 25 ठो आपका क्या है? चाठ आपका क्या है? चाठ क्या है? उसमें या संघर्षी व्यंजन, ये हो गया आपका। दो ठो आपका क्या है? उच्छिप्त है, हो गया। और कुछ छुटा है? चार ठो क्या आपके हो गए? इन्हीं सभी जोड़ लीजिए, जोड़ो यहाँ से, क्या देखिए 5 3 8 8 2 10 और 10 और ये कितना हो गया? 10 4 14 14 4 18 18 2 कैसे हो रहा है यार? हो गया 5 3 8 8 8 16 16 4 20 2 22 और 2 1 3 2 5 कन्फर्म हुआ? ये आपका वर्ण समाप्त हो गया। हो गया सबका? ये वाला कहानी रही आपकी वर्ण की, वर्ण परिचय की, कैसे इसका विकास हुआ किस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका आता है शब्द। वर्ण के बाद पहला क्रम आता है, देखिए पहले आपका वर्ण होता है, फिर वर्ण के बाद आपका होता है शब्द, शब्द के बाद आपका क्या होता है? वाक्य, वाक्य के बाद आपका क्या होता है? अनुच्छेद, इसी को क्या कहा जाता है? परिच्छेद, इसी को कहा जाता है पैराग्राफ। ये क्रम है, तो आप पहले इसका पढ़ चुके हैं,
अब आप दूसरा पढ़ेंगे क्या सब, अब ये चल रहा है। हाँ अनुच्छेद परिच्छेद पैराग्राफ कुल एक का ही है, पैराग्राफ वही अंग्रेजी में कहा जाता है, बस ये सब हिंदी के हैं। और अनुच्छेद परिच्छेद कब ये, हाँ बताओ, बोलोगे अपने मन में। बिल्कुल जो पढ़े हो वो जा सकते हैं, मैं केवल उन्हीं लोगों की स्पेशल क्लास बुलाया हूँ। नहीं मैं केवल उन्हीं लोगों की, आज का क्लास है, अगले वाला जो क्लास होगा वो पूरी तरीके से संयुक्त होगा, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। तो हमसे फ़ोन भी कर रहे थे, सर आए कि नए आए, हमने कहा अगर आप पढ़े हैं तो आप रहने दीजिए, आप घर पर पढ़िए, संडे है, आप अच्छा फ़ायदा उठाइए समय का। और जो नहीं पढ़े हैं वो केवल आएंगे, उनको अपने आधार से जोड़ दे रहे हैं, इसके बाद उन्हें अब दिक्कत ना हो पढ़ने में। बार बार सर ये वर्ण आए पढ़ा दिए, एक बार हम पढ़े नहीं हैं इसको, क्लास हम दूसरा पढ़ा रहे हैं तब तक ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, इस प्रकार से कुछ दिक्कत ना। देखिए शब्द जो है, अब शब्द किसे कहा जाता है, शब्द किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को, व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों का मेल हो लेकिन कैसा मेल हो, सार्थक का मतलब होता है भाषा में जिसका कुछ अर्थ, नहीं समझ रहे हैं, भाषा में अगर कुछ अर्थ होगा तभी वह क्या कहलाएगा, तभी वह शब्द कहलाएगा, नहीं तो शब्द नहीं कहलाएगा। देखिए लिख लीजिए पहले इसकी परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बने हुए सार्थक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से मिलकर, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से मिलकर, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से मिलकर बने हुए सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें सार्थक का अर्थ है, इसमें सार्थक का अर्थ है भाषा में जिसका कुछ अर्थ हो। आप पता चला उल्टा सीधा मेल कर दिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं है तो निरर्थक हो गया। इसमें सार्थक का अर्थ है या तात्पर्य है भाषा में जिसका कुछ अर्थ हो। देखिए जैसे वर्णों का मेल हो रहा है, देखिए आपका है ये हमारा वर्ण है, अभी मैंने आपको बताया सब वर्ण है, फिर का हुआ, फिर म हुआ, फिर आपका क्या हुआ लहु, एक नया शब्द बना आपका कम। अब देखिए ये सार्थक है कि नहीं, एक कमल की बात की जा रही है, ये मेरा सार्थक है। लेकिन अगर हम लिख दें म क ल, अब बताओ ये आपका दोनों मिला, ये भी तो मेल हो रहा है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हो रहा है कि नहीं मेल हो रहा है, मेल यहाँ हो रहा है, मेल यहाँ हो रहा है, लेकिन एक ही शब्द जुड़ा केवल सार्थक, सार्थक हो अर्थात भाषा में उसका कुछ अर्थ हो। तो आप देखिए ये आपका हो जाएगा मकल, और मकल का भाषा में कोई अर्थ है तो ये शब्द आपका नहीं है। मेल इसमें हुआ वर्णों का, मेल इसमें भी वर्णों का हुआ, इसमें आपका सार्थक हुआ और इसमें सार्थक कन्फर्म हुआ। तो वही होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, इसको लिख लीजिएगा ऊपर वाला एक को, तब समझ पाएंगे। हाँ क्या हुआ, छोड़ दें, छोड़ दिया जाए, अच्छा जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो स्टेमिना वाले हैं जिनको जिनको लगता है कि वो पढ़े कुछ टाइम तक वो लोग रुके रहें, और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो जा सकते हैं, जाओ पहले खाली करो क्लास।